Hello and welcome little learners to our learn from home session. My name is Shrutika Suresh Lohar from Devanar Colony Municipal English School number 1 and today we are going to learn maths. Our today's topic is expanded forms of numbers. इस फोटो में देखिए इस लड़की ने हाथ में एक रबर बैंड पकड़ा हुआ है और उस लड़की ने उसे खींच के स्ट्रेच किया है, लंबा किया है. इसको बोलते हैं एक्सपांड करना. इसी तरह जैसे हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो एक्सपांड हो जाता है, फूल जाता है, उसी तरह से हम लोग आज नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म देखने वाले हैं. लुक एट दिस नंबर. नंबर इज 378. हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन दिस नंबर? इस नंबर में हंड्रेड्स कितने हैं, टेंस कितने हैं और यूनिट्स कितने हैं वो पहले हम पता करेंगे. कैसे पता चलेगा? नंबर्स के प्लेस वैल्यू के हिसाब से पता चलेगा. हंड्रेड्स प्लेस में 3 है, टेंस प्लेस में 7 है और यूनिट्स प्लेस में 8 है. और नीचे वाले बार में दिखाया है 300 मतलब 300, 7 टेंस मतलब 70 और 8 मतलब 8 यूनिट्स. अब हमने नंबर्स की प्लेस वैल्यू देख ली है. अब देखेंगे कि एक्सपांडेड फॉर्म किस तरह लिखा जाता है. यह है नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म. 378 इज इक्वल टू 300 प्लस 70 प्लस 8. और एक एग्जांपल देखेंगे 937. पहले देखेंगे नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, इसमें कितने हंड्रेड्स है, कितने टेंस है और कितने यूनिट्स है. इस टेबल में हमें दिख रहा है कि हंड्रेड्स प्लेस में 9 नंबर है, टेंस प्लेस में 3 है और यूनिट्स में 7 है. 900 का मतलब क्या होता है? 900. एक्चुअल में हमने यहाँ पे नीचे वाले बार में लिखा है. 3 टेंस का मतलब क्या है? 3 टेंस मतलब 30. 7 यूनिट्स का मतलब क्या है? 7. अब देखेंगे इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से लिखना चाहिए. 937 इज इक्वल टू 900 प्लस 30 प्लस 7. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? उस नंबर की प्लेस वैल्यू है और आगे का नंबर हम लोग प्लस लिखकर कंटिन्यू लिखेंगे. इस तरह से किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा जाता है. इसके लिए नंबर कौन से प्लेस में है, हंड्रेड्स में है, टेंस में है या यूनिट्स में है वो पहले पता कर लेना चाहिए, वो पहले ऑब्जर्व करना चाहिए. अब ये नंबर देखो 998. इसमें पहले हम लोग ने देखा 8. देखो राइट हैंड साइड से देखेंगे 8 जो है यूनिट प्लेस में है, बाद में बीच में जो 9 नंबर है वो टेंस प्लेस में है और आगे उसके और एक 9 नंबर है वो हंड्रेड्स प्लेस में है. इसलिए हम लोग सबसे पहले हंड्रेड्स प्लेस में जो 9 है उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वो है 900 प्लस बीच में जो 9 लिखा है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, वो टेंस प्लेस में है तो उसका प्लेस वैल्यू है 90 प्लस अभी 8. 8 जो है यूनिट प्लेस में है तो उसका प्लेस वैल्यू 8 ही है. इसलिए 998 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखा है 900 प्लस 90 प्लस 8. इस तरह से उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखा जा सकता है. इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर देखो 301. इसमें 300 के प्लेस में है, टेंस के प्लेस में है 0 और यूनिट के प्लेस में है 1. 100 के प्लेस वाला 300 बताता है उसकी प्लेस वैल्यू, बीच में 0 है. 0 क्या बता रहा है कि टेंस के प्लेस में क्या है, तो उसे 0 उसी तरह से हमने लिख देना है. बाद में यूनिट प्लेस में 1 है तो हम लोग उसे 1 ही लिखेंगे. इस तरह से हम लिखेंगे कि 301 की एक्सपेंडेड फॉर्म में 300 प्लस 0 प्लस 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल 287. इसमें हंड्रेड प्लेस में 2, यूनिट प्लेस में 8 और टेंस प्लेस
टेंस प्लेस में 8 और यूनिट प्लेस में 7 है, तो 100 प्लेस वाला 2 क्या बता रहा है, उसकी प्लेस वैल्यू 200, तो 200 प्लस 8 जो है टेंस प्लेस में, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 80, प्लस 7 जो है यूनिट प्लेस में होने की वजह से उसकी प्लेस वैल्यू 17 बता रहा है, तो 200 प्लस 80 प्लस 7। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है 45 जो 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर में 4 पहले दिख रहा है और 5 दिख रहा है बाद में, 5 है यूनिट प्लेस में और 4 है टेंस प्लेस में, 4 टेंस मतलब 40 और 5 यूनिट प्लेस में होने की वजह से उसकी प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी, तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 5। राइट द नंबर्स फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। हमने अभी नंबर को पढ़कर उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखा, लेकिन एक्सपांडेड फॉर्म को पढ़कर नंबर को भी लिखना आना चाहिए। इस टेबल को देखो, इसमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और इक्वल टू करके आगे वो नंबर कौन से नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म है वो वहां पर लिखा है। देखो 700 प्लस 0 प्लस 5 मतलब 705, 400 मतलब हंड्रेड प्लेस में 4 लिखेंगे, 60 है मतलब टेंस प्लेस में 6 लिखेंगे और बाद में सिर्फ 7 लिखा है मतलब 7 यूनिट, तो 467 हो गया नंबर। 800 प्लस 0 प्लस 0 मतलब हंड्रेड प्लेस में 8, टेंस प्लेस में 0 है इसलिए 0 ही लिख दिया और यूनिट प्लेस में भी 0 है इसलिए वापस 0 लिख दिया, तो ये नंबर हो गया 800। नेक्स्ट नंबर है 100 प्लस 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 150 लिखा है। कैसे आया 150? 100 प्लेस में 1 है, 100 मतलब 1, 50 है टेंस प्लेस में तो 5 टेंस लिखेंगे और यूनिट प्लेस में 0 है तो उसे 0 वैसे ही लिख देंगे, हो गया 150। नेक्स्ट एग्जांपल 200 प्लस 10 प्लस 1 मतलब 100 प्लेस में 2 है, टेंस प्लेस में 1 है और यूनिट प्लेस में 1, तो नंबर हो गया 211। 30 प्लस 9, 39, यह दो ही नंबर है, थर्ड नंबर कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये 2 डिजिट नंबर है। इस तरह से नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना और दिए हुए एक्सपांडेड फॉर्म से नंबर का पहचान, नंबर क्या होगा, कौन से नंबर का वो एक्सपांडेड फॉर्म है, वो भी पहचानने आना चाहिए। अब होमवर्क की बात करेंगे, आपके मैथ्स टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 पर राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, इस तरह से होमवर्क दिया हुआ है। नीचे राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म मतलब एक्सपांडेड फॉर्म को देखकर वो नंबर कौन सा होगा ये आपको पहचान कर लिखना है। इस तरह से आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान है समझने के लिए और लिखने के लिए भी, बहुत सारे नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे घर पे, एक्सपांडेड फॉर्म लिखना और एक्सपांडेड फॉर्म से नंबर को पहचानना इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको ये नंबर वर्क बहुत ही इजी जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ लर्न फ्रॉम होम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम स्टे सेफ।